चाहे मंदिर हो या मस्जिद या गुरुद्वारा या गिरजा, हम करेंगे सबकी बात। जी न्यूज की एक खास पेशकश हमारी आस्था में। हाथरस की घटना के बाद विपक्ष ने घेराबंदी तेज कर दी है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश में भी सत्याग्रह शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस की आगामी रणनीति के संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी देते हुए बताया, आज मोदी व योगी की सह पर देश में जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां पर दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। दलित व महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस को जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी चुकाएगी। साथ ही धस्माना ने बताया, केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तराखंड में भी 5 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर सो ही सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। देश में मोदी जी के संरक्षण में, योगी जी के संरक्षण में, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के संरक्षण में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां गरीब लोगों पे और विशेष तौर पे दलित लोगों पे जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार का महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, ये बहुत घृणित है। ऐसा कभी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक नहीं हुआ। हाथरस में जो घटना हुई वो एक सामान्य घटना नहीं है। सामान्य इसलिए नहीं है कि पुलिस ने उसको पूरी दबाने की, सरकार के इशारे पर रफा दफा करने की कोशिश करी, और जब रफा दफा नहीं कर पाए, जब वो एक्सपोज हो गया तो पीड़ित परिवार से लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा। ऐसा पहली बार हुआ कि 164 का बयान लड़की का हो गया और 164 के बयान में उसने गैंगरेप की बात कही हो और पुलिस का एडीजी कह रहा हो कि रेप हुआ ही नहीं। पुलिस का एडीजी जो है वो कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट है क्या? वो मेडिकल एक्सपर्ट है जो ये कह रहा है कि रेप ही नहीं हुआ? इस तरह का बयान देना, अभी ट्रायल कहाँ हुआ? एक लड़की ने आरोप लगाया और उस लड़की मर गई, उसकी हत्या हो गई, और उसके बाद पुलिस जिस प्रकार से उसको बचाने में लगी है, पूरे अपराधियों को जिस प्रकार का संरक्षण प्राप्त है, ये देश में आज तक ऐसा उदाहरण नहीं मिला। कभी होती हैं घटनाएं, जघन्य घटनाएं होती हैं, लेकिन जघन्य घटनाओं को सरकार का संरक्षण अगर मिल जाए तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। हम लोग पूरे देश में सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं, हमारे आंदोलन लगातार चल रहे हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ वो पूरे देश ने देखा। 5 तारीख से हम लोग सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। 5 तारीख को हम लोग उत्तराखंड में भी सारे जिला मुख्यालयों में धरने में बैठेंगे, उपवास में बैठेंगे, और इस सरकार को इस प्रकार से दलित वर्ग के लोगों पर, गरीब लोगों पर अत्याचार नहीं करने देंगे। ये कांग्रेस का वादा है। कांग्रेस इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है।